भारत फिल्मों की फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग हुई फिनिश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज। जैसे कि हम सबको बताया कि उन दिनों सलमान खान उनकी अपकमिंग फिल्म भारत की शूटिंग कर रहे हैं। बता दें कि सलमान खान की भारत फिल्मों की शूटिंग का फर्स्ट शेड्यूल खत्म हो चुका है, जो उनकी जानकारी खुद अली अब्बास जफर ने दी है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो उन्होंने साफ लिखा है कि भारत फिल्मों का फर्स्ट शेड्यूल मुंबई में एक पूरा हो चुका है, जिनमें दो ड्रामेटिक एक्शन सिक्वेंस थे। उन्होंने अपने कास्ट एंड क्रू को थैंक्स भी कहा है, लेकिन उन्होंने जानकारी भी दी है कि अगली शूटिंग कहां पर होने वाली है। जब उन्होंने साफ लिखा है कि अब हम माल्टा में जाएंगे, और बता दूं कि माल्टा में धमाकेदार शूटिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, फिर से बता दूं कि भारत फिल्मों का फर्स्ट शेड्यूल खत्म हो चुका है, अब होने वाला है धमाका। आप कितने एक्साइटेड है ये फिल्म को लेकर, वह हमें कमेंट करें। शाहरुख खान ने अपनाई जीरो को हिट बनाने के लिए बड़ी फॉर्मूला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज। बता दूं कि इसी साल शाहरुख खान की एक सबसे बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है, और वो फिल्म का नाम है जीरो। ये फिल्म रिलीज होने वाली है इसी साल क्रिसमस पर। पहली बार शाहरुख खान जीरो फिल्मों में एक बोनी का किरदार निभाने जा रहे हैं, यानी कि ये फिल्मों में शाहरुख खान कुछ अलग करने वाले हैं। लेकिन बता दूं कि शाहरुख खान की इसी फिल्म के साथ चार फिल्म क्लैश होने वाली है, जिनमें सिम्बा, एक्वामैन, प्राइम मिनिस्टर जैसी फिल्मों होगी। लेकिन शाहरुख खान ने ये फिल्म को हिट करने के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल बता दूं कि शाहरुख खान ने जीरो का प्रमोशन अभी से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि हाल ही शाहरुख खान जीरो का प्रमोशन करने के लिए सलमान खान के जाने माने शो 10 का दम 3 पर गए थे। और बता दूं कि इस शो के जरिए जीरो फिल्मों को बहुत बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। और बता दूं कि ये प्रमोशन के जरिए जीरो फिल्मों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि शाहरुख खान ने जिस एपिसोड की शूटिंग की है वो 10 का दम सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले है। यानी कि ग्रैंड फिनाले में शाहरुख, सलमान एक साथ दिखेंगे, और वो भी जीरो जैसी बड़ी फिल्म का प्रमोशन करते हुए। और साथ ही बता दूं कि जीरो फिल्मों को लेकर शाहरुख खान ने इंटरव्यू भी शुरू कर दिया है, यानी कि इसी साल जीरो फिल्म बहुत बड़ा धमाका करने वाली है, क्योंकि ये फिल्म को अभी रिलीज होने में 3 महीने से भी ज्यादा समय बाकी है, और फिल्म का प्रमोशन अभी से ही शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि जीरो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फ्लॉप, वो हमें कमेंट करें। सरफरोश 2 फिल्मों में देखने को मिलेगा ये एक्टर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज। उन दिनों जॉन अब्राहम के बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म परमाणु भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, और इसके बाद रिलीज होने वाली है सत्यमेव जयते। बता दूं कि ये फिल्म के भी चर्चे बहुत ही हो रहे हैं, और साथ ही में ये फिल्म के गाने भी सुपरहिट हो चुके हैं। और इसके बाद जॉन अब्राहम की एक और फिल्म फाइनल हुई है, और वो कोई और फिल्म नहीं बल्कि ये फिल्म का नाम है सरफरोश 2। बता दूं कि सरफरोश फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी, जिनमें लीड रोल में आमिर खान और सोनाली बेंद्रा थे। बता दें कि ये फिल्म के डायलॉग बहुत ही शानदार थे, और अब आ रही है सरफरोश 2। मीडिया में कुछ ही दिन पहले खबरें आ रही थी कि सरफरोश 2 जल्द ही बनने वाली है। तो बता दूं कि सरफरोश 2 में न्यू ACP अजय सिंह राठौड़ बनेंगे जॉन अब्राहम, और ये फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जॉन मैथ्यू मैथन। उन दिनों ये फिल्म की स्क्रिप्ट पर कामकाज चालू है, और ये फिल्म की शुरुआत होगी अगले साल से। तो मैं फिर से बता दूं कि सरफरोश 2 में देखने को मिलेंगे जॉन अब्राहम। आप कितने खुश हैं ये फिल्म को लेकर, वह हमें कमेंट करें। ये न्यूज़ पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की खबरें के लिए एफएसटार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।